नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स मैनिया। टीम इंडिया का सफर विश्व कप में खत्म होने के बाद अब भारतीय क्रिकेट फैंस की निगाहें वेस्ट इंडीज दौरे पर टिक गई हैं। इस दौरे के लिए टीम इंडिया का प्लान 19 जुलाई को किया जाएगा। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कैरेबियाई दौरे के लिए एक नई टीम इंडिया वहां जाएगी। माना जा रहा है कि इस दौरे पर महेंद्र सिंह धोनी, शिखर धवन, जसप्रीत बुमराह व विराट कोहली का जाना मुश्किल लग रहा है। हालांकि विराट को लेकर फिलहाल कुछ साफ नहीं है। अगर विराट इस दौरे पर नहीं जाते हैं तो वनडे T20 और टेस्ट टीम के कप्तान रोहित के हाथों में होगी। इस दौरे के लिए टीम में अजिंक्य रहाणे व आर अश्विन की वापसी तय नजर आ रही है। कुछ खिलाड़ियों को वेस्टइंडीज दौरे पर नहीं जाने की वजह से युवा खिलाड़ियों को वहां आजमाया जा सकता है। एक नज़र डालते हैं उन युवा खिलाड़ियों पर जिन्हें वहां भेजा जा सकता है। टीम इंडिया को वहां सबसे पहले T20 सीरीज खेलनी है। ऐसे में टीम मैनेजमेंट युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जता सकते हैं। इन युवा खिलाड़ियों में श्रेयस अय्यर व शुभमन गिल हो सकते हैं। वहीं धोनी की गैर मौजूदगी में ऋषभ पंत विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी निभाएंगे। साथ ही दूसरे विकेट कीपर के तौर पर टीम में ईशान किशन को मौका मिल सकता है। तेज गेंदबाजों की बात करें तो नवदीप सैनी टीम में जगह बना सकते हैं और सैनी विश्व कप के दौरान भी टीम इंडिया के साथ थे। टेस्ट सीरीज की बात करें तो विश्व कप टीम में आखिर में शामिल किए गए मयंक अग्रवाल को ओपनर के तौर पर मौका दिया जा सकता है। वहीं हनुमा विहारी के लिए भी मौके बनते हुए नजर आ रहे हैं और नवदीप सैनी भी चयनकर्ताओं के लिए टेस्ट की पसंद बन सकते हैं। टेस्ट टीम में राणे और अश्विन की वापसी होगी और वनडे व टेस्ट में रिजर्व विकेट कीपर के तौर पर दिनेश कार्तिक टीम में हो सकते हैं। तो गाइस, आपके क्या है ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। धन्यवाद।